What's up guys, welcome to my video. So this is my first video on this channel. So guys, I will tell you in this video probably the best loadout which I think is in Call of Duty Mobile. And I will tell you another thing, the loadouts I will tell you, all loadouts I have not made, most of them I have copied from people. Because obviously everyone's way to play is different, everyone's guns are also different. So I'm not saying that everyone should use this, but try it definitely for loadout which I am going to tell you. So guys, today's loadout is AK117. First, this gun is very अच्छी नहीं थी, अभी भी इवन अंडररेटेड गन ही है ये. ऑब्वियसली जैसे-जैसे अपडेट्स आती गई गन भी थोड़ी बेहतर होती गई. तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट अटैचमेंट्स डिफॉल्ट गन कैसे काम करती है और इतना कितना रिकॉइल वगैरह होता है और फिर विद लोडआउट कंपैरिजन करके दिखाऊंगा. तो ये गन जो लोडआउट जो मैं आप लोगों को बताने आ रहा हूं ये ज्यादातर लॉन्ग रेंज पे काम आता है. ऐसा नहीं कि शॉर्ट रेंज पे अच्छा नहीं है, शॉर्ट रेंज पे अच्छा है बट इट्स नॉट द परफेक्ट वन. लॉन्ग रेंज पे इज प्रोबब्ली द परफेक्ट वन. मैं भी आपको लॉन्ग रेंज की शॉट मार के दिखाता हूं. As you can see, हालांकि मैं खेल माउस और कीबोर्ड पे रहा हूं और मेरी काफी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी है. इस गन के साथ विदाउट एनी अटैचमेंट्स डिफॉल्ट मैं लॉन्ग रेंज पे बंदा नहीं मार सक रहा. जस्ट सपोज बंदा है, जस्ट इमेजिन ये बंदा खड़ा हुआ है, ये देखें. So I'm missing most of the shots. चलें short range पे तो बंदा मार लेता है, but recoil और bullet spread इसका काफी ज़्यादा है. Player के सर पे मारो obviously headshot बहुत effective होती हैं. वो दो या एक sometime ऐसा होता है कि एक headshot से ही बंदा मार जाता है. Sniper की बात कर रहा हूँ. इस gun से headshot नहीं लगेगी अगर आप बुरे अटैचमेंट से खेलेंगे या फिर आप डिफॉल्ट अटैचमेंट से खेलेंगे. तो गाइस मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप इसकी पिक्चर ले लें या उसको ऐसे कॉपी कर लें. इससे ये फायदा होगा कि अगर आप कोई भी असॉल्ट राइफल यूज करते हैं और आपको उसका लोडआउट बनाना नहीं आ रहा, ये कॉपी करें. उससे ये फायदा होगा कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो सकता है, फायर रेट थोड़ा कम हो किसी भी गन पे अगर आप यूज करें. मैंने काफी सारी गन्स पे यूज किया और मोस्ट ऑफ द गन्स पे काम करता है. अगर आप किसी का ना भी कॉपी करें, खुद से बनाए ये कॉपी कर लें एंड यू आर रेडी टू गो, क्योंकि ये लोडआउट बहुत अच्छा है. तो स्टॉक की बात करें तो मैं यूज करता हूँ नो स्टॉक. मैं स्टॉक लगाता ही नहीं हूं, मैं विदाउट स्टॉक यूज करता हूं. अगर आप देखें तो बाकी यूज अगर आप बाकी स्टॉक वगैरह यूज करें तो स्टैट्स बहुत बेहतर होते हैं. जो डैमेज वगैरह एक्यूरेसी ये हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टैट्स के हिसाब से जाते हैं, अगर आप देखते हैं यार इसकी एक्यूरेसी 100% है, इसका मोबिलिटी कम है, ये है वो है, उस हिसाब से बनाते हैं तो गन कभी भी अच्छी नहीं बनेगी. शायद आप एक अच्छा लोडर बना रहे हो बट आप ना बना सकें क्योंकि उसकी डैमेज कम है या मोबिलिटी कम है, स्टफ लाइक दैट. आपको समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. तो अगर आप नो स्टॉक यूज करेंगे तो आपका एडीएस टाइम जरूर कम होगा. ओके फाइन, मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी, एडीएस मूवमेंट स्पीड भी बढ़ेगी, वर्टिकल रिकॉयल थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा नहीं काफी कम हो जाएगा, एडीएस बुलेट स्प्रेड भी कम हो जाएगा इससे. या अगर आप ऐसे देखते हैं ना कि कोई ऐसी चीज है जो मे बी आपकी गन के लिए इतनी अच्छी ना हो, उससे गन इतनी अच्छी ना बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, अब यहाँ से आपको लग रहा है कुछ चीज़ यार ये चीज इसमें मिसिंग है. तो जब आप बाकी चीजें लगाएंगे ना अपनी गन के ऊपर, बाकी अटैचमेंट, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है. अब बात करते हैं बैरल की. तो बैरल में मैं यूज करता हूँ ओडब्ल्यूसी मार्क्समैन. इसके भी अगेन फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. फायदा ये है कि एडीएस बुलेट स्प्रेड बहुत कम हो जाता है, डैमेज रेंज बढ़ जाती है, वर्टिकल रिकॉइल कम हो जाता है और हॉरिजॉन्टल रिकॉइल भी कम हो जाती है. ये 2 से 3 मेन चीजें होती हैं जो कि एक गन में होती है हमेशा. रिकॉइल की जो मसला बहुत गन्स में आता है, ये कम हो जाता है अगर आप ओडब्ल्यूसी मार्क्समैन बैरल यूज करें तो. और जब बात करें मजल की तो मैं यूज करता हूँ मोनोलिथिक सप्रेसर. अब अगर आपने कोई भी मजल किसी भी गन पे यूज करना है ना तो आपने हमेशा मोनोलिथिक सप्रेसर यूज करना है. बाकी कर सकते हैं या तो या टैक्टिकल यूज कर लें या मोनोलिथिक कर लें. मैं आपको कहूंगा मोनोलिथिक कर लें, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. मोनोलिथिक सप्रेसर इज द बेस्ट. फिर बात करते हैं लेजर की. मैं यूज करता हूँ ओडब्ल्यूसी लेजर टैक्टिकल. और मैं अगेन ये रिकमेंड करूंगा किसी भी गन पे, अगर आप इवन पिस्टल भी यूज कर रहे हैं उस पे भी आपने यही लगानी है. इसका नुकसान ऑब्वियसली ही होता है, इसे लिखा हुआ है विजिबल लेजर साइट्स. कोई भी बंदा दूर से देख सकता है कि लेजर आ रही है, उसको पता चल जाएगा वहाँ अपोनेंट है, आप दीवार के पर छुपे हैं तो वहां से नजर आता है. ऑब्वियसली इसके डिसएडवांटेज तो है. और जब बात करें रेयर ग्रिप की तो ग्रैनुलेटेड ग्रिप टेप मैं यूज करता हूँ इस गन पे. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई और यूज ना करें, पर इस गन के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छी गन है. बुलेट स्प्रेड बहुत कम हो जाता है, जो एडीएस बुलेट स्प्रेड है वो काफी कम हो जाता है, एडीएस मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाता है. अब ये गन लॉन्ग रेंज पे प्रॉबली दी बेस्ट गन है, पर शॉर्ट रेंज पे मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी गन है शॉर्ट रेंज, क्योंकि इसका फायर रेट ज्यादा है. बट शॉर्ट रेंज पे अगर आपको क्विक बंदे माने लाइक एजवाल या फिर कोई इस तरह की गन की एक्सआर Q9 उस जैसी गन नहीं है. तो फॉरन स्कोप करके फॉरन बंदे मारने वाला सीन इसका शॉर्ट रेंज पे नहीं है. तो मैं आपको दिखाता हूँ लॉन्ग रेंज की. पहले तो मैं आके यहाँ पर आगे जाके खड़ा हुआ था ना, मैं तभी मैं मोस्ट ऑफ द शॉट मिस कर रहा था. मैं फुल पिच खड़े होकर दिखाता हूँ और मैं मारता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द शॉट्स मिस नहीं करूंगा. देखिए मोस्ट ऑफ द शॉट्स मेरी लगी है, मोस्ट ऑफ द शॉट्स, अगर आप पीछे का ये वीडियो देख भी सकते हैं, मोस्ट ऑफ द शॉट्स मेरी लगी है. तो वो जैसे बता रहा था कि लॉन्ग रेंज पे हेड शॉट मारना कितना इफेक्टिव हो जाता है इस गन से, आप खुद देख सकते हैं. अब ये सामने बंदा खड़ा हुआ और मैं इससे हेड शॉट्स मारता हूँ.
आप देख सकते हैं. बट मैं फिर बता रहा हूँ कि गन जितनी मर्जी अच्छी हो, बंदे के थोड़े स्किल पे भी डिपेंड करता है. स्किल अच्छे होंगे तो गन भी खुद ही अच्छी चलेगी फिर. तो गाइस दैट इज फॉर द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. कमेंट करके बता सकते हैं वो क्यों नहीं वीडियो पसंद आई, ताकि मैं आने वाली वीडियोज में उसको मैं चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.